हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड ये रीडिंग जो है हिंदी पिकअप आयल रीडिंग मैं लेकर आई हूँ एज यूजुअल, क्योंकि मोस्टली रीडिंग्स मेरी हिंदी में ही होती हैं। एंड गाइस, आज हमारा सवाल जो है टैरो से वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट पीरियड में है, जिनके अपने पार्टनर से बातचीत नहीं हो रही है। एंड आप जानना चाहते हैं, जनरली भी अगर आप जानना चाहते हैं कि सेपरेशन चल रहा है आपका और आप जानना चाहते हैं कि वो आपको याद करते हैं या नहीं, वो आपको मिस करते हैं या नहीं, और उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी आपके टूवर्ड्स, आपके रिश्ते के टूवर्ड्स क्या है। साथ में जो भी एडिशनल मैसेजेस होंगे मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगी आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एक और बात, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कि ये जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है कि सबके साथ मैच होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। सो कीप योर माइंड एंड हार्ट ओपन टू ऑल पॉसिबिलिटीज, बट कुछ ना कुछ मैसेज डेफिनेटली आपके लिए होगा। ठीक, तो पाइल नंबर 1 में है द शेकाइना सेक्रेट सेल्फ, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 में है होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। एंड पाइल नंबर 3 में है मेरी मग्दलीनी, टीचर अवेकन्स। इन तीनों कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, आपका झुकाव जिस कार्ड की तरफ ज्यादा फील होता है आपको, आपका इंट्यूटिव सेल्फ आपको जो कार्ड सिलेक्ट करने के लिए कहता है, आपको कार्ड सिलेक्ट कीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हैं कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपकी रीडिंग स्टार्ट होने वाली है। साथ ही में अगर आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग के लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। ओके, तो आपके पार्टनर आपको याद करते हैं या नहीं, उनके क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, शुरू करते हैं रीडिंग पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल नंबर 1 जिन्होंने द शेकाइना सेक्रेट सेल्फ सिलेक्ट किया है, ओके, ओके, पाइल नंबर 1, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी पहले चेक कर लेते हैं कि उनकी करंट एनर्जी आपके टुवर्ड्स क्या है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, डेथ, Nine of Wands and King of Swords. Okay. पहली चीज, with Three of Wands, ये person किसी चीज का wait कर रहे हैं. They are looking forward to someone or something to happen. कोई ऐसा person इनकी life में आने वाला है या फिर कोई situation ऐसी इनकी life में आने वाली है जिसका ये wait कर रहे हैं. विश फुलफिलमेंट है, डेथ है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ सॉल्स है। राशियां जो यहाँ पे हो सकती है वो हो सकती है एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशि आपकी हो सकती है और आपके पर्सन की भी हो सकती है जिनको माइंड में रख के आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस राशि हो सकती है। स्कॉर्पियो यहाँ पे स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो एंड अलॉन्ग विद दैट जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस राशि भी हो सकती है। ठीक, ओके। एंड जो इम्पॉर्टेंट डेट्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो हो सकती है 9 तारीख, 3 तारीख, 13 तारीख, 21 तारीख, 16 तारीख, ये डेट्स हो सकती हैं। ठीक, तो अभी फिलहाल आई बिलीव इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये सिचुएशन या ये रिलेशनशिप जो है इसकी डेथ हो गई है, ये फिनिश हो गया है, ओवर हो गया है। एंड इसी चीज को लेके इनको थोड़ी सी घबराहट हो रही है या ये कोई आगे अपनी लाइफ में कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, like कहीं पर ये स्टक महसूस कर रहे हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, इनके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही हैं, काफी कुछ है जो ये आपसे कहना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि अगर ये इस वक्त आपसे बात करेंगे तो इनके वर्ड्स जो हैं वो थोड़े से हर्टफुल हो सकते हैं, आप हर्ट हो सकते हैं ये जो भी बात आपसे करना चाहते हैं। इट माइट ऑल्सो टर्न इन टू सम आर्ग्यूमेंट, तो इस चीज का डर है इनको, मे बी इस वजह से ये अभी बात नहीं कर रहे हैं।
इनको लग रहा है ये बहुत ही आइस कोल्ड इनका बिहेवियर हो गया है, या इनके माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर या आपको लेकर, वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट नहीं है. सॉफ्ट नहीं, बिकॉज इट्स अ स्वॉर्ड. ये जो आपकी इनसे कन्वर्सेशन हो भी सकती है, जल्दी भी हो सकती है, मे बी विद इन नेक्स्ट 3 to 9 days और विद इन नेक्स्ट 3 weeks, मे बी 3 दिन भी हो सकते हैं, 9 दिन भी हो सकते हैं, इतने टाइम के अंदर 13 दिन भी हो सकते हैं, मे बी इतने टाइम के अंदर आपकी इनसे कन्वर्सेशन हो सकती है. लेकिन इनको ये डर है कि ये जब आपसे बात करेंगे तो ये बहुत सॉफ्टली आपसे बात नहीं कर पाएंगे, ये अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये बार बार अपने माइंड में एक ही साइकिल रिपीट कर रहे हैं, एक ही चीज़ें बार बार सोच रहे हैं कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने बिना गुस्सा किए या बिना कोई आर्ग्यूमेंट किए कैसे रखें, ये इनके माइंड में चल रहा है. और क्या थॉट्स हैं फिलहाल इनके माइंड में, क्या सोच रहे हैं फाइल नंबर 1 के लिए? ओके, आई टेक दिस कार्ड आल्सो. डेंजर प्लेयर, डेंजर, थोड़ा सा बच के रहिएगा इनसे, एवरीथिंग विल बी ओके, सब ठीक हो जाएगा. आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू, मुझे आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं मे बी. सॉरी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, कई लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, या आपका फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं ये, इनका पर्सनालिटी ट्रेट हो सकता है, इट कुड बी अ हिंट. एंड वी हैव थर्ड पार्टी सिचुएशन, सो मे बी ये इस वक्त किसी के साथ इन्वॉल्व हैं. यस, 3 of Wands भी है हमारे पास, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, तो ये मे बी अभी किसी को डेट कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में है किसी के साथ, मे बी इंगेजमेंट हो गई है या शादी की बात चल रही है या वहां तक बात पहुंचने वाली है. थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो चल रही है. ठीक है, ये आपको मिस करते हैं या नहीं? ओ माय गॉड, 3 of Pentacles, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कई कई रिलेशनशिप्स में या कई लोगों के साथ पॉसिबिलिटी है कि ये ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, किसी तरीके का स्पेल किया हो, कर्स हो, हेक्स हो, समथिंग लाइक दैट, ब्लैक मैजिक, या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर देना, किसी का ब्रेन वॉश कर देना, इस तरीके का पॉसिबिलिटी है. 6 of Swords मूविंग अवे, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप जो है ओवर हो गया है, तो अब इनको मूव अवे कर लेना चाहिए, या एट प्रेजेंट ये जिनके साथ हैं उन्हीं के साथ इनको सेटल हो जाना चाहिए, उन्हीं के साथ इनको शादी कर लेनी चाहिए. ये बहुत ज़्यादा अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, बिकॉज ये अंदर ही अंदर चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करें. कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि ये काफ़ी सीरियस कमिटमेंट हो सकता है, आपका सोल कनेक्शन है, इनको इनको ऐसा फील होता है. बट क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं, ये थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, और इनका डेंजर प्लेयर, डेंजर वाला कार्ड आया है, तो इनसे थोड़ा सा आपको बचकर ही चलना पड़ेगा गाइस. ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं, जिनके भी साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है. ओके, सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि जब तक ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे, आपकी वैल्यू नहीं थी, उस रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं थी. एंड अल्टीमेटली जब इनका टाइम आ गया है किसी को कमिटमेंट देने के लिए, और ये शायद किसी को कमिटमेंट दे भी चुके हैं, तब इनको रियलाइज हो रहा है कि शायद आप ही बेहतर थे, क्योंकि आपने कभी इनको किसी चीज़ के लिए कंपेल नहीं किया, कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया. आई बिलीव आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं थे, आपने जो कुछ हो रहा था रिलेशनशिप में, यू आर गोइंग विद द फ्लो. बट अगेन, दिस सेपरेशन वॉज वेरी पेनफुल, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग रहा है, एंड अभी भी वो असर जो है वो अभी भी आ रहा है आपके माइंड पर. आपको पीस ऑफ माइंड नहीं है, आप
पूरी तरीके से हैप्पीनेस नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, बहुत सारी नेगेटिविटी है। एट ऑफ सॉर्ड्स, फंसे हुए हो आप किसी सिचुएशन में, जैसे कि एक इंसान के हाथ बंधे होते हैं, समथिंग लाइक दैट। ये भी सेम चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन इनका रीज़न दूसरा है। आप ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्योंकि आप जेन्युइनली प्यार करते हो, आप जेन्युइनली केयर करते हो। आप वही, यही एक रीज़न है कि आप इस वक्त ये रीडिंग भी देख रहे हो कि वो आपको मिस करते हैं या नहीं करते हैं। वो आपको मिस तो मैं नहीं कहूँगी कि मिस करते हैं, सोचते हैं आपके बारे में ऑब्वियसली, क्योंकि आप रिलेशनशिप में थे इतने टाइम, आप लोग साथ में होंगे तो वो सोचते हैं उस चीज़ के बारे में, आपके साथ दोबारा से न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ अभी भी इन्वॉल्व हैं। सो मे बी आपको ये एक ऑप्शन की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। नहीं, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन। और क्या इनके माइंड में आ रहा है, क्या थॉट्स हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, वॉट इज गोइंग ऑन। फाइल नंबर वन के लिए इम्पार्शियलिटी, लीब्रा राशि हो सकती है, एक्सेप्टेंस, गिल्ट। गिल्ट, अब इनको गिल्ट फील हो रहा है कि ये मैंने क्या किया। सेपरेशन में है, बातचीत नहीं हो रही है, ये मैंने क्या कर दिया। अब मुझे फाइनली कमिटमेंट तो देना पड़ रहा है, लेकिन किसी और को देना पड़ रहा है ये कमिटमेंट, तो इससे अच्छा मैं आप ही को ये कमिटमेंट दे देता या दे देती, बिकॉज आप इतने डिमांडिंग नहीं थे। इम्पार्शियलिटी, कहीं ना कहीं ये अब अपनी करंट सिचुएशन को, अपने करंट रिलेशनशिप को जो थर्ड पार्टी के साथ है, इस रिलेशनशिप को ये कंपेयर कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप से, या अलग अलग ये टाइम्स को ये कंपेयर कर रहे हैं कि उस टाइम में ये क्या एक्सपीरियंस करते थे आपके साथ, एंड अब इनको कैसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। बिल्कुल अच्छा तो नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, हैप्पी तो नहीं है ये। ज़बरदस्ती, जैसे एक इंसान बर्डनड होता है ना, लाइक फैमिली ने एक्सपेक्टेशंस डाल दी हैं अपनी, 50 लोगों को पता चल गया है कि इनके साथ रिश्ते में है, शादी फिक्स हो गई, इंगेजमेंट हो गई है, कुछ कुछ ऐसा है, तो अब वो ज़बरदस्ती लाइक अ बर्डन इनको वो ढोना पड़ रहा है अपने ऊपर। या सो मे बी उस बर्डन से छुटकारा चाहने के लिए वापस से आपके पास ये आ सकते हैं। लव तो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं दिखता, बहुत मुश्किल है, थोड़े सेल्फिश टाइप के हैं ये, प्लेयर एनर्जी है। पाइल नंबर वन, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग के जरिए आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, कुछ क्लैरिटी मिली हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और थर्ड पार्टी सिचुएशन पे, यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन पे मैंने कल एक वीडियो डाली थी, मैं लिंक कर दूंगी, आप वो देख सकते हैं। अभी एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं, वो रीडिंग जो है स्पेसिफिकली मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए ही करी है, फ्रेश रीडिंग, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर टू की तरफ। हेलो पाइल नंबर टू, जिन्होंने होप का कार्ड सेलेक्ट किया है, लव एंड एक्सेप्टेंस। आपके पार्टनर जो हैं, जिनके साथ आप सेपरेशन में हैं, बात नहीं हो रही है, आप जानना चाहते हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, या जनरली क्या सोचते हैं आपके बारे में, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। पाइल नंबर टू के लिए करंट एनर्जी, ओके, लॉट्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस राशि, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस राशि भी हो सकती है। ये पर्सन जो है अभी बहुत ज्यादा डिल्यूजनल है, काफी सारे, और इनडिसाइसिव भी है। इनको डिसअपॉइंटमेंट है, ये रिलेशनशिप जो पीछे छूट गया है, या ये इमोशंस जो हैं अब खत्म हो गए हैं, या स्पिल हो गए हैं, खत्म हो गए हैं बेसिकली, तो डिसअपॉइंटेड हैं, बट इनके पास और भी ऑप्शंस हैं। सो थर्ड पार्टी प्रेजेंस यहाँ पर हो सकती है।
द वर्ल्ड, पेज ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स. इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में अब एक फेज खत्म हो गया है. देर इज स्टिल होप, होप, देर इज स्टिल होप कि रिकन्सिलिएशन हो जाए या वापस से ये अपने इमोशंस आपको एक बार फिर से जाहिर कर सकते हैं पेज ऑफ कप्स. बट अगेन इसमें अभी टाइम लगेगा, ये पेज को किंग बनने में टाइम लगेगा. तो इमोशंस में धीरे धीरे वेव आनी स्टार्ट हुई है, चेंज आना स्टार्ट हुआ है. अगर कम्प्लीटली इमोशंस ख़त्म हो गए थे तो वो वापस से बिल्डअप होने शुरू हो गए हैं. हालांकि फोर ऑफ सॉल्स ये अभी भी उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं कि कन्वर्सेशन करें, आइसोलेशन के मोड में हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं. एंड मुझे ऐसा फील होता है फॉर फोर ऑफ सॉल्स के ये इंसान आपसे तो क्या ये अपने जो जेन्युइन इमोशंस हैं या अपनी जो जेन्युइन फीलिंग्स हैं ये किसी से भी शेयर नहीं कर रहे हैं. दे आर नॉट टेलिंग एनीबडी एनीथिंग, अपने फ्रेंड्स से भी नहीं, अपने फैमिली से भी नहीं, किसी को भी ये कुछ भी नहीं बता रहे हैं. मे बी ये सिर्फ अपने काम में बिजी हैं या अपनी स्टडीज़ में बिजी हैं. एंड ये बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने आप को डिसकनेक्टेड कर लिया है लोगों से, नहीं बता रहे हैं किसी को भी कुछ भी. और क्या ऐसे थॉट्स और इमोशंस हैं जो इनके माइंड में आ रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं इनके माइंड में टूवर्ड्स देयर कनेक्शन विद यू. ओके, फाइल नंबर टू के लिए. अरे अच्छा, ओके ले लेते हैं. 10 की वीटिश कॉम्प्लेक्शन एंड 2-3 कार्ड्स यहाँ पर चले गए हैं. आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ या बताना चाहती हूँ. यू आर अ ब्यूटिफुल पर्सन. आपसे सेपरेशन होने के बाद या आपसे अलग होने के बाद भी ये कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू करते हैं, उनको पता है कि आप अच्छे इंसान हैं. यू आर माई होप. होप होप होप, रिकन्सिलिएशन हो सकता है भाई यहाँ पे. बात आई डोंट थिंक बात अभी इतनी बिगड़ी है. मे बी जल्दी कोई गुड न्यूज़ भी आ रही हो आपके लिए. फिंगर्स क्रॉस्ड. 10 की वीटिश इनका कॉम्प्लेक्शन हो सकता है या आपको कुछ बताना चाहते हैं. आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, मैं लगातार आपके बारे में सोच रहा हूँ या आपके बारे में सोच रही हूँ. कंटिन्यूसली आपके बारे में ये सोच रहे हैं. एंड अगेन डेंजर प्लेयर डेंजर. तो ऑनेस्ट नहीं है पहली बात. हाँ, क्योंकि किसी से भी ये अपने फीलिंग्स नहीं शेयर कर रहे हैं, ना आपसे ना अपने किसी भी क्लोज्ड वन से. एवरीथिंग विल बी ओके, फिर भी सब कुछ ठीक हो जाएगा. यस ऑफ कोर्स देर आर स्टिल पॉसिबिलिटी, अभी भी होप है, उम्मीद है कि ये रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा. लव इज योर्स, रिकग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थाट्स. क्योंकि आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया है पाइल नंबर टू, ये मैसेज आपके लिए है. यू डिजर्व लव, लव इज योर्स. आपको भी खुद से यही चीज़ कहनी है कि मैं वर्दी हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ कि मेरी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन हो जो जेन्युइनली बिना किसी एक्सचेंज के सेल्फलेस तरीके से अनकंडीशनल लव मुझे दें और सेम फीलिंग्स मेरी भी हों उनके टुवर्ड्स. ऐसा प्योर सेक्रेट लव आप डिज़र्व करते हैं. दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू. एंड अगर इनकी फीलिंग्स इतनी ही प्योर हैं, इतनी ही ट्रू हैं आपके लिए, देन नथिंग कैन स्टॉप यू गाइज फ्रॉम मीटिंग. भले ही अभी ना हो, भले ही 1 साल बाद, 10 साल बाद, कितना भी टाइम, आपकी स्टोरी पर डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है. बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर रिकन्सिलिएशन होने की काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है. क्या ये आपको मिस करते हैं, क्या ये आपको मिस करते हैं? द हायरोफेंट, टॉरस, 3 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ वांड्स, बहुत सारा पैशन, टावर. ओके, आई टेक दिस लाइक दिस.
Hierophant, Three of Wands, Two of Wands, Tower, and Page of Pentacles. So I believe yes, ये आपको miss करते हैं, ये wait कर रहे हैं किसी चीज के होने का. ये दोनों cards, Two of Wands and Three of Wands, this person, he or she is waiting for something to happen. किसी चीज़ का ये वेट कर रहे हैं. मे बी ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप ही इनको कांटेक्ट कर लें, या ये मे बी सिचुएशन के चेंज होने का वेट कर रहे हैं. किसी चीज़ का ये वेट कर रहे हैं. ये बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है ये मच्योर इंसान है. कुड बी इन देयर 28 से लेकर लाइक 40 तक, 45 तक इनकी एज हो सकती है. यस, आपकी भी एज मुझे लगता है कि यू आर ऑल्सो इन योर 30s, मे बी 28, मे बी 29, 32, 33, 40 to 41, कुछ इतना एज मुझे ऐसा लग रहा है हो सकती है आपकी. एंड अगेन कुछ हैं जो काफ़ी यंग भी हैं, अर्ली 20s में भी हैं, जो ये रीडिंग इस वक्त देख रहे हैं. द हायरोफेंट. ओके, सो आई बिलीव इनको अभी भी ऐसा लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है. एक सीरियस कमिटमेंट में ये रिश्ता बदल सकता है. द हायरोफेंट में भी ये जो कार्ड होता है बेसिकली शादी का कार्ड होता है, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को ये कार्ड डिफाइन करता है. एक स्टेबल रिलेशनशिप, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक सेक्रेड यूनियन, एक ट्रेडिशनल मैरिज, ये सब इस कार्ड के मीनिंग्स होते हैं. तो इनको ऐसा लगता है कि अभी भी होप है, क्योंकि ये शादी की पॉसिबिलिटी आपके साथ देखते हैं, वेट कर रहे हैं मे बी ये सही वक्त के आने का. एंड द टावर एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स. सो क्योंकि ये एक साइकिल ख़त्म हो गया है, इनको लग रहा है कि ये रिश्ता जो है ओवर हो गया है. द टावर आ गया है, कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है. तो अब यहाँ पे एक नई बिगिनिंग होगी. पुराना वाला जो साइकिल था, पुराना वाला जो रिलेशनशिप था, जिस तरीके का बॉन्ड था आप लोगों का, जिस तरीके की बातें होती थी, जिस तरीके की इंटरेक्शंस होती थी, या जो भी आपके इमोशंस थे, अब जब ये रिलेशनशिप नए सिरे से शुरू होगा वो सब चीज़ें बदल जाएंगी. एक कम्प्लीटली अलग एनर्जी होगी. आपको लगेगा कि ये एक अलग ही इंसान है, या आपको लगेगा कि मैं खुद भी अलग ही फीलिंग्स रख रहा हूँ इनके लिए, या अलग ही फीलिंग्स एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अपने पर्सन के लिए, या कर रही हूँ. अगेन जो भी है, रीडिंग्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है. मेल फीमेल जो भी हैं आपके पार्टनर, काफ़ी कुछ बदल जाएगा एंड फॉर गुड. अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, तो वापस आने के बाद ये आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं, या मे बी अभी सोच भी रहे हैं आपको कोई कमिटमेंट देने के लिए, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स, दिस इज एन ऑफर. एक ऑफर आ रहा है आपके टुवर्ड्स. ओके, कुछ और चीज़ें जो ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या कुछ और हिंट्स उनके लाइफ में क्या चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा है. ओके, एक्सेप्टेंस. ये या तो ये डाउटफुल हैं कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे. पास्ट में जो भी कुछ हुआ है वो चीज़ इनको हॉन्ट करती है. इनको डर लगता है कि कहीं मैंने जो भी पास्ट में, या तो इन्होंने आपके साथ अगर पास्ट में गलत किया, आपको डंप कर दिया या छोड़ दिया, सेपरेशन इनकी तरफ से था अगर, तो इनको लगता है कि अगर ये दोबारा से आपको अप्रोच करते हैं तो पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे. पैशन, काफ़ी पैशन ये आपके लिए फील करते हैं. लविंग पैशन, मिरेकल, होप एंड मिरेकल. मिरेकल यहाँ पे एक
चमत्कार हो सकता है इस रिलेशनशिप में, अगर आप होप अपनी खो चुके थे एंड आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, देन आई बिलीव यू आर ट्रूली ब्लेस्ड, यू आर ट्रूली ब्लेस्ड. फॉरगिवनेस, मे बी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको माफ़ कर दें अगर इन्होंने कुछ गलत किया है. तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब टाइम आ गया है कि साथ में ग्रोथ एक्सपीरियंस करी जाए, साथ में लाइफ में ग्रो किया जाए. ऑल्सो ये जो रूट्स हैं यहाँ पे, रूट्स जो होती हैं बेसिकली वो हमको ग्राउंडेड रखते हैं. एंड कुछ इसी तरीके की फीलिंग में भी इनको आपके साथ आती थी. दे यूज़ टू फील ग्राउंडेड, ग्राउंडेड एज इन इनको ऐसा लगता था कि अब इनको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है. जो चीज़ ये ढूंढ रहे थे, जो इंसान ये ढूंढ रहे थे, वो इनको मिल गया था. बट आई डोंट नो आपका सेपरेशन किस वजह से हुआ है, क्या रीज़न रहा है इस सेपरेशन का. इनको लगा कि वो सब कुछ खो गया, वो स्टेबिलिटी जो थी इनकी लाइफ में वो खो गई. दे स्टिल हैव लॉट्स ऑफ पैशन फॉर यू, लविंग पैशन. ये अभी भी मुझे लगता है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको एक्सेप्ट कर लो. मिरेकल होने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, और मे बी ये फॉरगिवनेस भी चाहते हैं. सो या फाइल नंबर टू, ये सोच रहे हैं आपके बारे में, आपको याद भी कर रहे हैं. थोड़े आपने तो होप सिलेक्ट किया है, लेकिन ये होपलेस लग रहे हैं मुझे. तो अगर आप अपनी तरफ से कन्वर्सेशन इनिशिएट कर सकते हैं, वेल देन गो अहेड, बात कीजिए. यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबिलिटी है रिलेशनशिप के ठीक हो जाने की. एंड अगर आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, देन गिव देम सम टाइम, उनको थोड़ा वक्त दीजिए. सिचुएशन बदलेगी, उनके इमोशंस जो है वो पेड से कन्वर्ट होके किंग तक पहुंचेंगे, एंड देन डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में वापस आएंगे. फाइल नंबर टू, ये थी रीडिंग आपके लिए. अगर इस रीडिंग के ज़रिए मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ एंड कुछ मैसेज मैं आपको दे पाई हूँ जो आपके साथ रेजोनेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा. और कोई पिकअप आल रीडिंग अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं. एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, टैरो बाय टीजे. वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्ते. एंड आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर थ्री की तरफ. हेलो पाइल नंबर थ्री, ये है रीडिंग आपके लिए. मेरी मैगडलिनी जिन्होंने कार्ड सेलेक्ट किया है, टीचर अवेकन्स. आपके जो पार्टनर है, नो कांटेक्ट पीरियड चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है. क्या वो आपको मिस करते हैं आपके बारे में, और स्पेसिफिकली आपके कनेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं? पहले उनकी करंट एनर्जी देख लेते हैं, इस वक्त क्या फील कर रहे हैं फाइल नंबर थ्री के लिए. एंड वन मोर कार्ड, जेमिना लीब्रा एक्वेरियस राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न राशि हो सकती है, एंड फायर एलिमेंट भी है यहाँ पे, यानी कि एरीज लियो सेजिटेरियस राशि भी हो सकती है आपकी और उनकी भी. ओके, फोर ऑफ सोल्स, कन्वर्सेशन नहीं चल रही है, नो कॉन्टैक्ट है. वी नो, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स. आई बिलीव ये बहुत ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं, मे बी क्योंकि फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, काफ़ी सारे त्यौहार आ रहे हैं, तो उन सब की तैयारी चल रही है, शॉपिंग चल रही है, इन सब चीज़ों पे फोकस है, काम पे फोकस है, पैसे बनाने में लगे हुए हैं. टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, ये सोच रहे हैं आपके बारे में भी, बीच बीच में कुछ कुछ थॉट्स इनको आ रहे हैं. जस्टिस है लीब्रा राशि, तो कुछ कुछ थॉट्स इनको आ रहे हैं बीच में आपके बारे में भी, कि आपको एक बार फिर से मे बी अप्रोच करना चाहिए, या आपको कोई फेस्टिवल हो अगर तो उस पर विश करना चाहिए, या किस तरीके से आपको कोई ऑफर देना चाहिए, मे बी ये दोबारा से साथ में ग्रो करने का, यानी कि दोबारा से रिलेशनशिप में आने का. फाइल नंबर थ्री, एक बार चेक कर लेते हैं इनके और क्या थॉट्स हैं. पेज ऑफ वॉन्ड्स टेल्स मी कि ये अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हैं, अभी भी ये ऑप्टिमिस्टिक हैं. यंग है ये पर्सन, 20 to 25 years old, 27 years old. जस्टिस,
ओके अभी फिलहाल क्या थॉट्स हैं इनके माइंड में, क्या सोच रही हैं? यू आर अ ब्यूटिफुल पर्सन, कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम यू एनी मोर, आपसे और दूर नहीं रह सकता हूँ या नहीं रह सकती हूँ. अगेन रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, जो भी है आपके पार्टनर मेल या फीमेल. ओके यू आर अ ब्यूटिफुल पर्सन, तो भले ही बात नहीं हो रही है, ये आपको मिस तो डेफिनेटली कर रहे हैं, आपका थॉट है इनके माइंड में. एंड ये अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है इस रिलेशनशिप को लेकर, अभी भी इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ पर है. थर्ड पार्टी सिचुएशन, फिटनेस फ्रीक. अनदर हिंट, मे बी आप किसी को डेट कर रहे हो, मे बी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो. कार्ड्स खुद ब खुद बाहर आ रहे हैं. यू योर एब्सेंस मेक्स मी इरिटेटेड, आपकी एब्सेंस में मैं खुश नहीं हूँ, मुझे इरिटेशन होती है. मे बी आप किसी को डेट कर रहे हो या ये किसी को डेट कर रहे हैं. कार्ड और आया है यहाँ पे, एवरीथिंग विल बी ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा. गाइज ये ऐसे थॉट्स और ऐसे इमोशंस हैं जो अनएक्सप्रेस्ड हैं, मतलब किसी से कहते नहीं हैं, अंदर ही अंदर ये फीलिंग्स इनको आती हैं. ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है ये काफ़ी लोगों के लिए, जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है. मे बी आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, इट कुड बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन. और क्या मैसेजेस हैं, और क्या सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं. फाइल नंबर 3, क्या थॉट्स आ रहे हैं इनको इनके बारे में, और क्या हिंट है जो आपको हेल्प कर सकता है. नॉट इन अवर डेस्टिनी, फॉरगिव मी प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए. कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप शायद अब ओवर हो गया है, या शायद हमारी किस्मत में ही नहीं है एक दूसरे के साथ होना. एंड आई बिलीव इन्होंने अगर पास्ट में कुछ गलत किया है आपके साथ, तो ये उस चीज की माफी भी मांगना चाहते हैं. बट ये थोड़े नेगेटिव भी हो सकते हैं. ठीक, वही इनके थॉट्स आते हैं जाते हैं. यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनी थिंग स्टॉप यू. आई ऑल्सो बिलीव के मे बी दिस मैसेज इज फॉर देम. ये कुछ ना कुछ बात अपने अंदर इन्होंने छुपा रखी है, कोई बहुत ही इनका डीप ऐसा इमोशन है आपको लेकर, कोई ड्रीम है जो किसी से भी शेयर नहीं किया है इन्होंने. मे बी ये कुछ ऐसी बात है जो ये खुद से भी नहीं करते हैं, एंड आपको भी इन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया है. कुछ इम्पोर्टेंट है बट पता नहीं ऐसा क्या है जो इनको रोक रहा है. मे बी दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन, इट कुड बी फैमिली. फैमिली हो सकती है ये जो थर्ड पार्टी है यहाँ पे, काफी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली है, पेरेंट्स हैं, उनकी वजह से इनको मे भी इतना वक्त नहीं मिल रहा है कि ये आपको कांटेक्ट करे, या इनको अपने लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है कि ये अपने इमोशंस को समझ पाए. बार बार इनके माइंड में थॉट आता है कि आपको अप्रोच करना है, आपको अप्रोच करना है, बट अगेन फीलिंग्स जो है वो पेड से किंग तक नहीं पहुंच पाती हैं, या ये अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाते हैं. जस्टिस कर्मा, आई बिलीव कर्मा यहाँ पे अपना एक मेजर रोल प्ले कर रहा है. कुछ ना कुछ तो हो रहा है इनकी लाइफ में, ऐसा कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं. अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो कहीं ना कहीं इनको भी वो पीस ऑफ माइंड नहीं है. समथिंग दैट मैटर्स द मोस्ट, पीस ऑफ माइंड नहीं है. यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स. आई बिलीव फाइनेंशियली ये पर्सन जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर दो सिचुएशंस, दो लोगों के बीच में ये जगल कर रहे हैं, किसको सिलेक्ट करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए. इफ इट्स अबाउट मनी, फाइनेंशियली मे बी इनकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम चल रही है. देर इज अ स्ट्रांग फेमिनिन इन्फ्लुएंस, एक स्ट्रांग फीमेल है इनकी लाइफ में, फीमेल इन्फ्लुएंस है. आई वुड से कुड बी मदर, सिस्टर, कोई फ्रेंड, कोई स्ट्रांग फीमेल इन्फ्लुएंस है इनकी लाइफ में. एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, इट कुड बी
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये ब्लैक मैजिक भी हो, मे बी, इफ नॉट ब्लैक मैजिक, इफ नॉट सम सॉर्ट ऑफ कर्स, हेक्स और स्पेल, देन मे बी इट्स जस्ट प्योर नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन माइंड, लाइक ब्रेन वॉशिंग समवन और टेलिंग नेगेटिव थिंग्स टू सम, किसी को बुरी बातें बोलते चले जाना एक पर्सन के अगेंस्ट, ताकि वो कंप्लीटली ब्रेन वॉश हो जाए और फिर बुरा ही सोचने लगें किसी के लिए. कुछ ऐसा मुझे मैसेज आया है. ओके. एंड अबैंडनमेंट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अबैंडनमेंट. इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको अबैंडन किया, आपको छोड़ दिया, जैसे बीच मझधार में आपको छोड़ दिया. मे बी उस वक्त आपको इनकी बहुत ज़रूरत थी, जिस वक्त ही आपको छोड़कर चले गए थे, और अब इनको सॉरी फील होता है. अब इनको इनको ये फील होता है कि शायद ये खुद ही इस लायक नहीं है, या ये खुद ही आपको डिजर्व नहीं करते. यू आर परफेक्ट, यू आर अ ब्यूटिफुल पर्सन, योर एब्सेंस मेक्स मी इरिटेटेड, कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम यू एनी मोर. तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगेन फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा, आपको ये कुछ ऑफर करना चाहते हैं बट थर्ड पार्टी सिचुएशन है इनकी लाइफ में, वहाँ ये फंस जाते हैं. एंड जस्टिस एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आई बिलीव कुछ ऐसा ही इनके साथ भी होने वाला है. अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है तो वही चीज़ लौट कर इनके पास भी आने वाली है. बिकॉज जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो अच्छी एनर्जी हमारे पास वापस आती है, लेकिन अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं, बुरा करते हैं, तो वो 3 times हमारे पास आता है. तो मे बी जितना पेन और जितना ट्रबल इन्होंने आपको दिया है, उसका 3 गुना इनको मिलने वाला है. जस्टिस होने वाली है. एंड जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं या दूसरों को कर्स करते हैं, दूसरों के ऊपर हेक्स डालते हैं अपना काम बनाने के लिए, या किसी का गलत करने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए, तो आप बेसिकली यूनिवर्स के प्लान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, आप नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप गॉड के प्लान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो. एंड इंसान तो शायद मे बी माफ़ कर भी दे, बट अगर आप नेचर के रास्ते में आओगे देन यू विल हैव टू फेस द रेपरकशंस. जो चीज़ नेचुरली जैसी होनी चाहिए, जो रिलेशनशिप नेचुरली जैसा चलना चाहिए, अगर आप अपनी टांग अड़ा के उसको उसमें नेगेटिविटी डालने की कोशिश करते हो, तो वो 3 गुना आपके पास आएगी. तो जिन्होंने भी अगर कोई यहाँ पे ब्लैक मैजिक कर रहा है इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के ऊपर, तो आई बिलीव उनको भी अपनी कब्र खोद के तैयार हो जाना चाहिए. ओके. ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं बट ये फ्रस्ट्रेटेड हैं. लव इतना मुझे नहीं दिख रहा है. मे बी कभी कभी इनको फील होता है कि हाँ ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, बट फिर वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है इनके माइंड पे कि इनको लगता है कि नहीं, शायद ये किस्मत में ही नहीं है हमारी, ये रिश्ता या हमारा एक हो पाना शायद किस्मत में ही नहीं है. कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं, इनके माइंड में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं. ग्रीफ, जॉय एंड रिकवरी. यहाँ तो साइकिल चल रही है, इनकी रिकवरी भी होने वाली है. गुड, वेरी गुड. रिकवरी है यानी कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, फिंगर्स क्रॉस्ड. एंड अगेन इफ दिस रीडिंग इज रेजोनेटिंग विद यू, आपके साथ मैच कर रही है, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ पे रिकवरी होने के चांसेस हैं, जॉय खुशियाँ वापस आने के भी चांसेस हैं. और ये इनकी एनर्जी है, मे बी ये इन सब दोनों फीलिंग्स के बीच में दोनों फीलिंग्स ये एक्सपीरियंस करते रहते, कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कभी फिर से ये जो रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है उसके ग्रीफ में, उसके दुख में सैड हो जाते हैं, बेसिकली सैडनेस फील करते हैं, ग्रीफ फील करते हैं किसी चीज़ को खो देने का दुख. बट या
सोचते हैं आपके बारे में, इतने सारे मैसेजेस आ गए हैं। पायल नंबर 3, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग के ज़रिए मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ, कुछ मैसेज दे पाई हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा टैरो बाय टीजे, एंड वीडियो को थम्स अप देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कोई पिकअप आयल रीडिंग अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई टॉपिक हो ऐसा जिस पर मैं रीडिंग लेकर आऊँ, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस पर रीडिंग लाने की। एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।